हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जेके एस एस फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल वेलफेयर फीमेल सुपरवाइजर का जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके प्रैक्टिस सेट्स तो आज का हमारा जो है पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा इसमें जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन से जो टॉपिक है वो है सोसाइटी ठीक है सोसाइटी पे इंपॉर्टेंट एम्सिक्यूज जो है इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर कम टू क्वेश्चन नंबर वन विच वन अमंग द सब्सिक्वेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी दैट इट्स वायलेशन इम्प्लाइज वेयर पनिशमेंट बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा सबसिक्वेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए फॉर सोसाइटी दट इट्स वायलेशन इम्प्लाइज वेयर पनिशमेंट ठीक है ऑप्शन हैं आपके पास कस्टम्स आइडियोलॉजीज मोड्स फॉक करेक्ट आंसर क्या है इसमें से आपको बताना है जो इस क्वेश्चन का कर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी आइडियोलॉजीज ठीक है तो यहाँ हम देखेंगे देख सकते हैं आप एंड आइडियोलॉजी मे बी आई विलीव सिस्टम दैट ऑन द पिंस ऑफ पोलिटिकल और थ्योरी आइडियोलॉजीज फॉर्म द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स फॉर रनिंग सोसाइटी सैम्पल्स ऑफ आइडियोलॉजीज इंक्लूड्स लिब्रलिज्म कंजर्वेटिज्म सोशलिज्म कम्यूनिज्मेडियोनिज्म टोटलेरिज्म डेमोक्रेसी कोलोनियनिज्म एंड ग्लोबलिज्म तो जो इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है दैट इज आइडियोलॉजी सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर काम टू क्वेश्चन नंबर टू वट द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशल दर्ल्ड सोशोलॉजी सोशोलॉजी में आपको बताना है जो टर्म है इसका क्या मतलब है गिवन ऑप्शन में बताना है आपको ऑप्शन ए है कम्पेनियन बी कलेक्शन सी हर्ड डी कंसेंसस तो जो सोशल टर्म है इसका मतलब है कंपेनियन ठीक है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है यहाँ आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में द वर्ड सोशोलॉजी ओरिजिनेट्स फ्राम टू वर्ड्स सोशोलॉजी जो है वर्ड वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है ओरिजिनेट्स फ्राम टू वर्ड्स सोशियस एंड लोगस सोशस जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है लोगोस जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ठीक है सोशस का मतलब है यहाँ पे कंपेरियन एंड लोगोस का मतलब है साइंस और स्टडी दस सोशोलॉजी इज दैट द साइंस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी ठीक है सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री द टर्म सोश डिराइव फ्रॉम

वर्ड्स कंपोजिंग द टर्म सोशोलॉजी बताना है कौन से वर्ड्स हैं जो कि कंपोज करते हैं टर्म सोशोलॉजी को अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ऑप्शन है सोसाइटी एंड कम्युनिटी सोसाइटी एंड साइंस सोशियस एंड लोगोस सोशियस एंड साइंस करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी सोशियस एंड लोगोस वर्ड्स जो हैं वो कंपोज करते हैं सोशोलॉजी टर्म को सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स सोसाइटी इज लुक्ड अपॉन एस बताना है कास्ट एंड क्लास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिंपल सोसाइटी सिस्टम ऑफ पार्ट्स करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी सिस्टम ऑफ पार्ट्स ठीक है सोसाइटी इज लुक्ड अपॉन एस सिस्टम ऑफ पार्ट्स क्वेश्चन नंबर सेवन हु इज कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर किन्हें कहा जाता है ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्टी इमाइल दकिंग मैरी ऑगस्टस स्पेंसर करेक्ट आंसर इसका अगस्त कॉम्प्टी जो है वो है फाउंडिंग फादर सोशियोलॉजी के सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट द टर्म लोगोज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज बताना है पहले आपने बताया था कि सोश टर्म जो है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव है अब क्वेश्चन है कि जो टर्म लोगोस है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव है ऑप्शन हैं लैटिन रोमन ग्रीक अमेरिकन करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव है सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटीज इज मॉडर्न सोसाइटीज का इनमें से कौन सा वन ऑफ द फीचर है ऑप्शन स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क फेस टू फेस इंट्रैक्शन ऑफ अर्बनाइजेशन एंड फैक्ट्री प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी अर्बनाइजेशन एंड फैक्ट्री प्रोडक्शन जो है वन ऑफ द फीचर है मॉडर्न सोसाइटीज का सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन सोसाइटी प्रॉब्लम कैन बी अंडरस्टूड इन द रिल ऑफ बताना है फिजिक्स केमिस्ट्री सोशियोलॉजी साइकोलॉजी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी सोशियोलॉजी क्वेश्चन नंबर इलेवन सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बताना है सोशोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है ह्यूमन सोशल बिहेवियर प्लांट्स एंड एनिमल्स मैन एंड एनवायरनमेंट अर्थ करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर ठीक है

क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शैश डैश डैश एंड डैश आपको बताना है सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो शेयर करते हैं डैश डैश एंड डैश ऑप्शन लैंग्वेज रिलीजन एंड एथेनिसिटी टेरिटरी इंटरेक्शन एंड कल्चर हिस्ट्री इकोनमी एंड पॉलिटिक्स फैमिली फ्रेंड्स एंड नेबर्स तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ पीपल है सोसाइटी जो कि शेयर करते हैं टेरिटरी इंटरेक्शन एंड कल्चर ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करैक्टिस्टिक ऑफ सोसाइटी गिवन ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा है जो कि एक सोसाइटी का करैक्टिस्टिक नहीं है ऑप्शंस इट इज एब्स्ट्रैक्टिव नेचर इट इज डायनमिक इन नेचर इट इज़ वेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस इट इज़ वेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन डी इट इज वेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म जो है ये एक करेक्टिस्टिक नहीं है सोसाइटी का सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप और कैटेगरी ऑफ सोसाइटी वेस्ड ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सा है जो कि एक टाइप या फिर कैटेगरी नहीं है सोसाइटी की वेस्ड ऑन द लेवल ऑफ़ टेक्नोलॉजी ऑप्शन हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी प्री मॉडर्न सोसाइटी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज नॉट अ टाइप और कैटेगरी ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन व्हाट इज द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ डिफाइनेबल कम्युनिटी एंड शेयर द सेम कल्चर एंड पोलिटिकल अथॉरिटी कौन सी टर्म है ऑप्शन सोसाइटी स्टेट नेशन इथेनिसिटी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए सोसाइटी ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन व्हाट इज द टर्म फॉर द लेटीन वर्ड दैट मींस आर कमिंग टूगैदर और ज्वाइनिंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम विच द वर्ड सोसाइटी इज ड्राइव कौन सी ऐसी टर्म है आपको बतानी है ऑप्शन है सोसाइटीज सोशियस सोकियम सोकेव करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी टर्म है 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 जो जो कि वर्ड और इसका मीनिंग कमिंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम द वर्ड सोसाइटी इज दैट मेक्स इट डिस्टिंग फ्रॉम अदर सोसाइटी कौन सी ऐसी टर्म है जो कि करेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का उसे डिस्टिंग करता है अदर सोसाइटी से सोशल आइडेंटिटी सोशल डिफरेंशिएशन, सोशल डाइवर्सिटी सोशल कल्चर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी सोशल कल्चर जो है वो एक ऐसी टर्म है सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ सोसाइटी इनमें से कौन सा है जो कि सोसाइटी का फीचर है ऑप्शन इट कंसिस्ट ऑफ पीपल इट कंसिस्ट ऑफ कल्चर इट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव ये सभी जो हैं फीचर्स हैं सोसाइटी के सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट्रिस्टिक ऑफ सोसाइटी गिवन ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा है जो कि एक करेक्ट्रिस्टिक नहीं है सोसाइटी का ऑप्शन डायनेमिक इन नेचर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर डिवियडेंट इन नेचर बेस्ड ऑन इंटर डिपेंडेंस करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी डिवियंट इन नेचर जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वट टाइप ऑफ सोसाइटी इज करेक्ट टू दूस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन ऑर्गनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऐसी कौन सी टाइप ऑफ सोसाइटी है ऑप्शन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है ऐसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर Question number 24 What type of society is characterized by the dominance of information, service, and knowledge based occupation and the decline of manufacturing and agriculture? Options hai aapke paas? pre industrial society, post industrial society, industrial society, post modern society. Correct answer is option B post industrial society. The question number 25 What is the meaning of society according to the Latin word socius? 18 वर्ड सोशियस के अकॉर्डिंग सोसाइटी का क्या मीनिंग है ऑप्शंस एसोसिएशन कंपैनियनशिप और कलेक्टिव लाइफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फॉर्मल रिलेशंस इंटरेक्शन कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अवेयरनेस कल्चर नॉर्म्स और शेयर बिलीव्स करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है एसोसिएशन कंपैनियनशिप और कलेक्टिव लाइफ ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट द टर्म फॉर द दिन ऑप्शन कम्युनिकेशन सोशल एक्सप्रेशन सोशल एक्सचेंज करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है सोशल इंटरेक्शन टर्म है ऐसी दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर जिसमें हमने सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए हैं आई होप ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू हैव अ नाइस डे